हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल लर्न इट वन क्लिक। और आज के इस वीडियो में टाइप्स ऑफ एटीएम हम देखेंगे। एटीएम के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं। और डिजिटल बैंकिंग सीरीज के लेक्चर नंबर 11 है, जो कि वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट है डिजिटल बैंकिंग। तो फेडरल बैंक्स ने तो इसको एक अलग ही टॉपिक दे दिया है, 15 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के पूछने, बट सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो होती है उसमें 15 मार्क्स या फिर 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसमें लगभग 15 to 20 क्वेश्चन होते ही हैं बैंकिंग से, डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड, किसी न किसी टर्म में रिलेटेड होते हैं। ओके, तो ये सारे बैंक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आइए फ्रेंड, अब इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एटीएम के बारे में देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें ना भूलें फ्रेंड। ओके, देखिए, एक होता है ऑन साइट एटीएम। आप बैंक के ब्रांच में गए होंगे, वहाँ पर भी एक एटीएम फैसिलिटी अवेलेबल होता है, इसे बोला जाता है ऑन साइट एटीएम। ओके, फिर होता है ऑफ साइट एटीएम। ऑफ साइट एटीएम का मतलब कि बैंक के एरिया से बाहर होता है, बैंक प्रीमाइसेज से बाहर होता है। ओके, तो उसे ऑफ साइट बोला जाता है। फिर आती है बात येलो लेवल एटीएम। येलो लेवल एटीएम जो होता है स्पेशली यह ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए दिया जाता है, बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, येलो लेवल एटीएम नाम दिया गया। देखिए, एटीएम का काम बस वही है, ट्रांजेक्शन करना, शॉपिंग करना, कैश विड्रॉ करना, बट डिफरेंट डिफरेंट नाम है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे यूज होते हैं, पूछ ली जाती है। तो आप कुछ चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, जैसे ईबे से आप येलो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ईबे एक ई कॉमर्स साइट है, येलो लेवल एटीएम जो है ई कॉमर्स साइट के लिए यूज होता है। तो ऐसे मैं खुद से लिंक कर सकते हैं, मैं कोई शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बता रहा, बस डिटेल्स में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको दिए जा रहा हूँ। फिर आ रही है ऑरेंज लेवल एटीएम। ऑरेंज लेवल एटीएम जो है ये शेयर ट्रांजेक्शन के लिए दिया जाए। सपोज कीजिए आपके पास एक अकाउंट है और आप चाहते हैं 2 से 3 एटीएम यूज करना, या फिर 2 से 3 लोग ट्रांजेक्शन करें आपके सिर्फ एक अकाउंट से जो एटीएम इशू किया गया, उसे ऑरेंज लेवल एटीएम में क्लासिफाई किया गया। फिर पिंक लेवल एटीएम। पिंक लेवल एटीएम सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए प्रोवाइड किया गया। ये भारतीय महिला बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारतीय महिला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 अप्रैल 2017 को मर्ज हो चुकी है। ओके फ्रेंड, और देखिए फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ये मेंशन कीजिए, भारतीय महिला बैंक के साथ एक और बैंक उस समय आई थी न्यूज में और उसको भी लाइसेंस दिया गया था। उसमें 2 बैंक को लाइसेंस दी गई थी, भारतीय महिला बैंक और एक और बैंक को दी गई थी। आप उस दूसरे बैंक का नाम बताइए। देखिए, उसके हेडक्वार्टर शायद वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता हेडक्वार्टर में बता रहा हूँ। तो उस बैंक का नाम बताइए जो भारतीय महिला बैंक के साथ उस बैंक को भी लाइसेंस मिला था। तो पिंक लेवल एटीएम वुमेन के लिए होता है, स्पेशली वुमेन को भी दिया जाता है। फिर बात करते हैं ग्रीन लेवल एटीएम। देखिए, नाम से ही आप क्लेरिफाई कर सकते हैं, ग्रीन लेवल एटीएम एग्रीकल्चरल ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है। देखिए, मोबाइल एटीएम किसे बोला, जो व्हीकल्स एटीएम होते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, पहले देखा होगा कि जो भी एटीएम होते थे, एक वैन में एटीएम होते थे और रिमोट एरिया में ले जाकर वहाँ से ट्रांजेक्शन किया जाता था। तो अब ये एटीएम बंद हो चुका है, ऐसा एटीएम फैसिलिटी अब नहीं दी जाती। फिर बात करते हैं फ्लोटिंग वाटर एटीएम क्या होता है। फ्लोटिंग वाटर का मतलब कि वाटर के ऊपर एटीएम। तो इसमें बस ये पूछा जाए कहाँ पहली बार ओपन किया है, तो ये केरला में फर्स्ट टाइम ओपन किया गया था और स्टार्ट किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ओके गाइज, तो ऑन साइट हुआ, ऑफ साइट हुआ, येलो लेवल हुआ, ऑरेंज लेवल एटीएम, पिंक लेवल, ग्रीन लेवल, मोबाइल एटीएम, फ्लोटिंग वाटर लेवल। देखिए, आपको मैं बता दूं, लास्ट इस साल 5-6 जो भी बैंक्स के एग्जाम हुआ है, मेन एग्जाम, तो 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड। तो इसमें यहाँ से एक ग्रीन लेवल एटीएम पूछा गया है, फिर ब्राउन लेवल एटीएम भी पूछा गया है, और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स के एग्जाम में व्हाइट लेवल एटीएम के बारे में पूछा गया है। तो अब देखिए, ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है, आप देखते होंगे कि एसबीआई के एटीएम में गए, वहाँ से ट्रांजेक्शन किया और चले आए, तो वो आती है ब्राउन लेवल एटीएम में। ब्राउन लेवल एटीएम में क्या होता है कि हार्डवेयर एंड एटीएम मशीन जो होता है सर्विस प्रोवाइडर को होता है, बट कैश मैनेजमेंट जो होता है उसमें जो कैश प्रोवाइड किया जाता है, जो स्पॉन्सर बैंक होती है जिसका लोगो होता है उस एटीएम में, तो वो कैश प्रोवाइड करती है, उसे ब्राउन लेवल एटीएम बोला जाता है। तो आप जहाँ भी देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ, बैंक ऑफ इंडिया का हुआ, तो जहाँ भी लोगो मिलेगा वो आपका ब्राउन लेवल एटीएम के तौर पर जाना जाएगा। फिर बात करते हैं व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम का सिंपल से एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप देखे होंगे इंडी कैश एटीएम।
ठीक है, इंडिकैश एटीएम में ना तो किसी बैंक का नाम होता है, ये थर्ड पार्टी मैनेज करती है, थर्ड पार्टी इसमें कैश डिपॉजिट करती है एंड उसे कस्टमर ट्रांजेक्ट करते हैं, और उनका जो प्रॉफिट होता है, आप जो ट्रांजेक्शन चार्ज लिया जाता है पर ईयर एटीएम यूज करने का, तो उससे आप उनको प्रॉफिट दिया जाता है। ओके, वाइट लेवल एटीएम को कोई भी स्पॉन्सर बैंक नहीं होता है, कोई इसको जो कैश मैनेजमेंट होता है ये वाइट लेवल एटीएम खुद से करते हैं, जो थर्ड पार्टी होती है वही करते हैं। ओके, और इस वाइट लेवल एटीएम में आपकी जो फ्री ट्रांजेक्शन होती है वो यूज हो जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, बाय बाय।